हेलो गाइस, दिस इज आकाश एंड कुलदीप फ्रॉम दीप ब्रदर्स। वी आर बैक विथ अ न्यू वीडियो। आज हम लोग होंडा एक्टिवा 6G के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में सब डिटेल हम लोग बताने वाले हैं आज। इसका इंजन स्पेसिफिकेशन, इसका कितना वेरिएंट्स में अवेलेबल है, क्या क्या कलर है इसमें, इसका माइलेज, टॉप स्पीड, और अगर आप ये फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो इसका डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट, इन ईयर कितना रहेगा और इसका पर मंथ ईएमआई कितना रहेगा, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो लेट्स बिगिन। तो ये होंडा एक्टिवा 6G एक 109 सीसी का BS6 व सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आता है। इसका मैक्सिमम पावर है 7.6 bhp एट 8000 rpm और इसका जो टॉर्क है वो 8.79 नैनोमीटर एट 5250 rpm। ये इसका जो इंजन कूलिंग है वो फैन कूलिंग है, जैसे रेडिएटर है, और एक FI इंजन के साथ में आता है। इसका जो व्हील्स है वो सामने की तरफ 12 इंच का व्हील है, पीछे की तरफ 10 इंच का व्हील के साथ में आता है, जो कि एक ट्यूबलेस टायर के साथ। इसका जो वेट है 107 kg और इसका सीट हाइट है 692 mm। तो बहुत ही लो हाइट का स्कूटी है, जैसे कि नॉर्मली सब स्कूटर रहते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि ग्लिटर ब्लू, स्पार्टन रेड, डजल येलो, ब्लैक, वर्ल्ड वाइट और मैट ग्रे। और ये LED हेडलैम्प के साथ आता है और इसका जो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है ये पूरा एनालॉग है, जो ओल्ड स्कूल स्टाइल में लाया गया है। तो इसमें आपको कोई डिजिटल में कुछ नहीं दिखेगा, सब एनालॉग है। ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एक स्टैंडर्ड और एक डीलक्स। इसका जो माइलेज है वो 55 किलोमीटर पर लीटर है और इसका जो टॉप स्पीड है वो 90 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी आते हैं प्राइस की तरफ। तो जैसे कि ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, तो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट्स है वो आपका नॉर्मल व्हील्स के साथ में आता है, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं आता है। वो है 79,667 रुपीज़ एक शोरूम, और डीलक्स जो है 81,300 रुपीज़। ये जो दो वेरिएंट में अवेलेबल है, तो ये 79,667 रुपीज़ का है ऑन रोड प्राइस, कोलकाता के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वो स्टेट सब स्टेट में अलग ही रहेगा, थोड़ा 19-20 रहेगा प्राइस। और जो डीलक्स है वो 81,300 रुपीज़ का है। तो अभी आते हैं, अगर आप इसको EMI में लेना चाहते हो तो आपको क्या कितना पैसा पड़ेगा। तो अगर आप 20,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हैं तो आपका लोन अमाउंट आता है 61,320 रुपीज़। और इसका टेन्योर अगर मैं पकड़ता हूँ 30 मंथ्स के लिए, जैसा 2.5 साल के लिए पकड़ता हूँ 12.5% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपको पर मंथ EMI आएगा 2,391 रुपीज़, अगर इंटरेस्ट रेट 12.5 है तो। सब बैंक का अलग अलग रहता है, वो आप जब लेंगे तो डीलर के साथ बात करके आप देख सकते हैं कितना है। तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो पड़ेगा वो 10,400 रुपीज़ जो आपको एक्स्ट्रा पे करना है, और जो टोटल अमाउंट आपको लास्ट तक रहेगा वो 91,732 अगर आप EMI में लेते हो तो। 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2.5 साल के लिए। तो इतना ही था आज के लिए। आप कमेंट में बताइए आपको कौन सा बाइक के बारे में जानना है, बाइक या स्कूटी, तो हम लोग उसके बारे में वीडियो लेके आ जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।